छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे ही दिन भाजपा के अजय चंद्राकर ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता समेत कई मुद्दों को उठाया। अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की आड़ में सरकारी स्कूलों को लेकर निजीकरण करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना किसी को नौकरी दिए 33,659 अपात्र हो गए। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जितने लोगों को किश्त में दी जा रही है, ये बेरोजगारों का अपमान है। सरकार अपने घोषणा पत्र से पीछे हट रही है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा को लेकर कहा कि भाजपा पार्टी लोगों को समझाने के बजाय उकसाने का काम कर रही है। भाजपा राजभवन जाकर के उकसाने का काम कर रही है। मेरा उनसे आग्रह है कि हमेशा तथ्यात्मक और सैद्धांतिक विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए। अगर आप राजभवन गए थे तो क्या आपने अजा जजा ओबीसी आरक्षण बिल में उस पर आज तक राज्यपाल का दस्तखत नहीं हुआ? क्या आप उस पर राज्यपाल से आग्रह नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इस सरकार ने दो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं प्राइवेट संस्था के, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, वो सरकार स्वीकार कर चुकी, उसके बाद भी विधानसभा में उसको प्रस्तुत करना, ये सदन की अवमानना है। मैं तो अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। जो सरकारी आंकड़े हैं आज की तारीख में, उसमें 18 लाख लोग बेरोजगार हैं। सरकार को 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जितने लोगों को वो दे रही है किस्त में, वो बेरोजगारों का अपमान कर रही है और ये सरकार अपने घोषणा पत्रों से पीछे हट रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको उकसाने का काम कर रही है और राजभवन जा करके बिना तथ्य का बात कर रही है, बजाय उनको समझाने के उनको उकसाने का काम कर रही है। ये समाज के लिए अच्छा उदाहरण नहीं बन सकता और भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि हमेशा तथ्यात्मक और सैद्धांतिक राजनीति करना चाहिए। गांधीवादी विचारधारा पर राजनीति करना चाहिए। अगर आप राजभवन गए थे तो आपसे मेरा आग्रह है कि आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विधेयक विधानसभा में जो पारित हुआ है, उस पे आज तक महामहिम राज्यपाल का दस्तखत नहीं हुआ। क्या आप उसमें एक बार भी महामहिम राज्यपाल से उस आरक्षण बिल में दस्तखत करने के लिए आपने आग्रह किया? और नहीं किया तो क्यों?